नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है भारत न्यूज। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूछता है भारत न्यूज चैनल। 32वें सड़क सुरक्षा माह को लेकर सिविल लाइन चौराहे में पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के आदेश पर लगाई गई वाहन चेकिंग। रामनगर थाना क्षेत्र के मॉडल स्कूल के पास दो बाइक सवार के आपस में भिड़ने से 3 लोग घायल। थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सतना जिला अस्पताल में बीती रात वार्ड नंबर 5 में हुई 5000 की चोरी। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि चोरी की शिकायत करने गए तो चौकी में कोई भी नजर नहीं आया। अस्पताल के कैमरे कई दिनों से है बंद। सूत्रों के मुताबिक जानकारी है कि शहर के अंदर अस्पताल गेट में दवाई दुकान में चलाया जा रहा है नशे का कारोबार। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिलीप मिश्रा पहुंचे रामनगर, लोगों से की मुलाकात। अमरपाटन से मैहर जा रही यात्री बस और हाइड्रा क्रेन के बीच हुई टक्कर, आधा दर्जन लोग हुए घायल। बड़ा हादसा टला, पुलिस मौके पर पहुंची। जिला बार एसोसिएशन सतना और लेबर बार एसोसिएशन ने 3 फरवरी को कृषि कानूनों में फेरबदल को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। आईपीएस अधिकारी श्रीमती हितिका वासल के कंधे पर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने लगाया अशोक चक्र। हितिका वासल को एडिशनल एसपी बनाकर किया गया ग्वालियर स्थानांतरित। कोठी सतना चौराहे में थाना प्रभारी के नेतृत्व में यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले, बगैर मास्क और हेलमेट के घूमने वाले वाहन चालकों पर की गई चालानी कार्यवाही। सतना शहर के कूती क्षेत्र में चल रही है ठेकेदारों की मनमानी। 2 महीने पूर्व पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई सड़क में कोई निर्माण कार्य नहीं, लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी, प्रशासन है बेखबर। लगातार बढ़ता जा रहा है पॉप रिहाना के ट्वीट पर विवाद। क्रिकेट और बॉलीवुड के दिग्गज हस्तियों ने ट्वीट कर कहा भारत के मामलों में दखल। विदेश मंत्रालय ने भी जारी किया बयान, कुछ लोग अपने स्वार्थ और एजेंडों को लागू करने के लिए कर रहे हैं कोशिशें। रिहाना ने किसान आंदोलन पर किया था ट्वीट, लिखे इंटरनेट ठप है तो कोई कुछ बोलता क्यों नहीं। किसान बिल को लेकर लोकसभा में लगातार दूसरे दिन भी हंगामा, 3 बार स्थगित करनी पड़ी सदन की कार्यवाही। चौरी चौरा कांड 100वीं सालगिरह पर होंगे कार्यक्रम, पीएम मोदी 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शुरुआत। दिल्ली में किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरे लोग, मंडी हाउस में सिटीजन मार्च का किया आयोजन। बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा पर हो सकता है सियासी टकराव, ममता बनर्जी सरकार ने नहीं दी इजाजत।
से राज्य में शुरू हो सकती है रथ यात्रा। जेपी नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी। एक महीने में हर विधानसभा के 7 क्षेत्रों तक जाने की रणनीति। विरोध प्रदर्शन को लेकर नीतीश सरकार का नया फरमान। हिंसा करने के आरोपी को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। उत्तराखंड सरकार का नया फरमान। देश के खिलाफ लिखा तो नहीं बनेगा पासपोर्ट और लाइसेंस। नौकरी में होगी परेशानी। देखते रहिए पूछता है भारत न्यूज चैनल और पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब का ऑप्शन प्रेस करना ना भूलें।